हे दालूबीज, हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी लवली जानवी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज हम देखने वाले हैं कि जो भी सिनारियोज़ में आपका रिलेशनशिप रहा है, क्या कुछ बदल सकता है? क्या आपके स्पेसिफिक पर्सन का वो गुस्सा ख़त्म हुआ है, या अभी भी वो उन पुरानी बातों को आज भी सोचते हैं? क्योंकि आई नो आप में से बहुत सारे लोग एक नो कॉन्टैक्ट जोन में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, बट इस चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं हमारा रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा हैम्पर हुआ है। बट आज की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि क्या स्पेसिफिक पर्सन के माइंडसेट, या हम इतनी सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, क्या कुछ बदला है, या फिर उनके माइंड में अभी भी वही फाइट्स चलती रहती है। ध्यान रखिए, रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज देखते हैं आपके स्पेसिफिक पर्सन की एनर्जीज के अकॉर्डिंग क्या उनकी मेंटालिटी, क्या उनका माइंडसेट चेंज हुआ है, या फिर अभी भी वो चीज़ों के बारे में सोचते हैं और माइंड को नेगेटिव बनाते हैं। क्योंकि आई एम डैम श्योर आप में से बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स कर रहे हैं। लेट्स सी, डिवाइन गाइड करें और देखते हैं कि क्या कुछ चेंज हुआ है, उनका माइंडसेट कुछ बदला है, या फिर वो अभी भी इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या तो कुछ सोचते ही नहीं हैं। भाई कुछ ना कुछ तो माइंड में चल रहा है ना, तभी तो हम इस सिचुएशन में आके बैठे हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग्स को। डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स को और बताएं क्या चल रहा है स्पेसिफिक पर्सन के माइंड में। ध्यान रखिए, अगर वीडियोस पसंद आती है चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर रीडिंग्स को क्लेम करें। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग, ओके, पहला कार्ड हमारे पास आ गया है। ट्विन फ्लेम इज नॉट रेडी, ओके। मेजर चेंजेस, कमिटेड रिलेशनशिप्स, सारे कार्ड्स रिलेशनशिप के लिए रिलेटेड ही आ रहे हैं। एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, ओके। बॉटम डेक पे हमारे पास दैट इज़ डिवाइन टाइमिंग। अरे वाह, सबसे खूबसूरत मैसेज ही यहाँ पर आ गया है। और यूनिवर्स भी कह रहे होंगे भाई सब कुछ होगा लेकिन एक डिवाइन टाइमिंग पर होगा। अगर तुम रश करोगे, अगर तुम उस चीज़ के पीछे भागोगे, तो कुछ भी नहीं होने वाला। ओके, सो यहाँ की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो हमें एक क्लैरिटी दिख रही है, कहीं ना कहीं आप उनमें से हैं जो अपने ट्विन फ्लेम को डील कर रहे हैं। रिलेशनशिप्स में जो पार्टनर हैं, या तो वो आपका ट्विन फ्लेम है जो आपके साथ अभी रिलेशनशिप में है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे आपकी रिलेशनशिप की पिक्चर को देख के ये लग रहा है, चीज़ें बेटर तो हो रही हैं, कुछ बड़े बड़े बदलाव आने वाले हैं रिलेशनशिप में। चीज़ों को लेके ये रेडी कभी कभार होते हैं, बट धीरे धीरे ये चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं अभी भी माइंड में वो चीज़ें चलती तो हैं, लेकिन थोड़े समय में चेंज होगी, कुछ चेंजेस आएंगे जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि अब ये रिलेशनशिप में थोड़े बहुत बदलाव हो सकते हैं या आगे होंगे। हो सकता है कि आपको इस रिलेशनशिप पे बहुत जल्दी कमिटमेंट मिल सकती है। कल रात को जो मैंने वीडियोस डाला था उसमें भी ये कार्ड का इंडिकेशन दिया था, तो समझ जाओ आपके लिए कितना बड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन है। लेकिन एक चीज़ से मुझे ये लग रहा है, कुछ लोग अगर इस रीडिंग्स को देख रहे हैं, अगर आप ऐसे सिनारियों में भी हो सकते हैं जहां पर आपके पर्सन ने अपने ईगो पर चीज़ें बहुत ज़्यादा ले ली है, अपने ईगो पर चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा सोच लिया है, एक नेगेटिव पिक्चर बहुत ज़्यादा चीज़ों की बना ली है, तभी ये ऐसा नेगेटिव वे में डील कर रहे हैं। फॉर श्योर डिवाइन टाइमिंग में सब कुछ बेटर होगा, ये इंडिकेशन तो यूनिवर्स ने हमें सबसे पहले दे दिया कि आपको किसी भी बात को लेकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन टाइमिंग्स आपके लिए सब कुछ करेगा, सब कुछ बहुत बेटर होगा, लेकिन एक डिवाइन टाइम पर ही होगा। तो अभी आपको बस आराम से चिल करना है, रिलैक्स करना है। किसी भी चीज़ को या किसी भी पिक्चर को ज़्यादा ओवरथिंक मत करो, क्योंकि आपका पर्सन मुझे ना थोड़ा ईगोइस्टिक दिख रहा है, जिसके लिए उसके डिसीजंस इंपॉर्टेंट है बाद में बाकी सारी दुनिया। लेकिन और कार्ड्स के अकॉर्डिंग देखते हैं डिवाइन का क्या मैसेज है, हम सब लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। डिवाइन गाइड करें व्यूअर के पार्टनर की एनर्जीज, क्या उनके माइंड में कुछ बदलाव आया है, या अभी भी उसी ईगो में बैठे हैं? क्योंकि ईगो तो मुझे इनका भी दिख रहा है, इनने चीज़ें अपने अपने दिमाग में ज़्यादा बैठा ली है, और इनके लिए इस रिलेशनशिप में अभी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। वही कुछ लोग की एनर्जीज को देखकर बोल सकती हूँ कि
कुछ ना कुछ चेंजेस आने वाले हैं आप लोग के रिलेशनशिप में, और बहुत जल्दी आपको कमिटमेंट आप ही के रिलेशनशिप में मिलने वाली है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन है आप लोगों के लिए। चलिए और कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं यूनिवर्स का, डिवाइन का आपके लिए क्या मैसेज है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, थ्री ऑफ कप्स, और बॉटम डेक पे हमारे पास दैट इज नाइन ऑफ सोर्ड्स। इनके ईगो की वजह से ना ये भी बहुत ज़्यादा परेशानी में है, इनके ईगो की वजह से ये भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं। ये चीज़ों को बेटर करने की तो पूरी कोशिश करते हैं, बट कहीं ना कहीं अभी भी इनके माइंड में एक नेगेटिव पिक्चर चलती है कि चीज़ें बेटर होगी, क्या चीज़ एक फेवरेबल आउटकम पर पहुँचेगी। कार्ड्स को क्लेरिफाई भी करेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा ऊपर कर लिया ताकि आप सब लोग भी समझ पाएँ कि कार्ड्स का हमारे लिए क्या इंडिकेशन है, क्या मैसेज है। सबसे पहले हमने जब एनर्जीज देखा था तो हमें ये चीज़ तो पता चली थी कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में चेंजेस आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके स्पेसिफिक पर्सन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा अपने ईगो पे लेकर चल रहे हैं, वो ईगो अभी भी इनके दिमाग में है। अब वो ईगो किस वजह से है इसका भी रीज़न बना लेते हैं, क्योंकि आप लोगों में हुई है बहुत ज़ोर की फाइट, आप लोगों में हुई है किसी बात को लेकर बहुत बुरी आर्ग्यूमेंट, आप लोगों में हुई है बहुत ज़्यादा चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को एक नेगेटिव वे में पर्सन ने डील कर लिया है, उसी वजह से ना काफ़ी हार्ट ब्रोकन सिचुएशन हो गई है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव ये फील करते हैं, काफ़ी ज़्यादा अनहैप्पीनेस इनके माइंड में चलती है, काफ़ी ज़्यादा ये सोचते हैं कि अब चीज़ें बेटर हो सकती है नहीं का। अभी स्ट्रेंथ के साथ चीज़ों को बेटर करने की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि रीयूनियन इंडिकेट कर रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग के रिलेशनशिप में किसी का इन्वॉल्वमेंट बहुत रहा है, या तो किसी ने अपना इन्वॉल्वमेंट दे के इस रिलेशनशिप को थोड़ा ब्रेक करने के, ख़राब करने की भी कोशिश करी है, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन वापस आएगा, ये पर्सन आपको अभी भी याद करता है, चीज़ों को लेके अनहैप्पी तो है, एक अंदर से बुरा इनको बहुत लगता है, बट ये देखो उस चीज़ को लेके परेशान तो रहते हैं कि सब चीज़ें क्यों हो गई, ये सारी फाइटिंग्स, ये सारी नेगेटिविटीज़ रिलेशनशिप पे क्यों हो गई, जबकि सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा था, एक छोटी सी फाइट ने पूरे रिलेशनशिप की पिक्चर को चेंज कर दिया है, इस चीज़ को लेके ये काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। बट मेरे को ओवरऑल एनर्जीज के अकॉर्डिंग लग रहा है कि यू बोथ कैन मेक थिंग्स बेटर, नो मैटर वट एवर हैज़ हैपेंड, जो भी आप लोग के पास में हुआ है। थोड़े पर्सन अपने ईगो में तो हैं, ये बात तो मुझे दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं ये फिर से वापस आएंगे, बहुत बड़े चेंजेस होंगे, हो सकता है आपको डेट पर लेकर जाएंगे और चीज़ों को कन्फेस करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, या ये आपसे मिल भी सकते हैं कुछ टाइम में। चलिए कार्ड्स को क्लेरिफाई करेंगे, डिवाइन गाइड करें। फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है, डिवाइन गाइड करें। फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है, फाइव ऑफ वॉन्ड्स हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, फाइव ऑफ वॉन्ड्स हमें क्या एनर्जी बता रहा है, फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है, डिवाइन गाइड करें। द बर्डन, देखो वो लड़ाई ना इनके माइंड में बहुत ही ज़्यादा बर्डन की तरह बैठी हुई, मैंने कहा ना वो ईगो, वो लड़ाई झगड़ों के वजह से ही इन्होंने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा ख़राब करा है, आज भी उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं। थ्री ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, डिवाइन गाइड करें। थ्री ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। थ्री ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। स्किज़ोफ्रेनिया, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है, मोरालिटी, ओके एक और निकाल लेते हैं। डिवाइन गाइड करें। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर क्यों है, स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर क्यों है, स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर क्यों है, ड्रीम, ओके। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है, थ्री ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है, थ्री ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है, लोनलीनेस, बहुत मिस करते हैं ये आपको, ये उस पुराने रिलेशनशिप को बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा इनके माइंड में पिक्चर है कि मुझे सब कुछ पहले जैसा करना है। बॉटम डेक पे है वी हैव पार्टिसिपेशन, मैंने बोला ना ये या तो आपको डेट पर लेकर जाएंगे या ये आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, ये चीज़ों को पूरा बेटरमेंट, ये अपनी तरफ से पूरा एफर्ट्स लगाएंगे, लेकिन 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 थोड़ा अब हमें भी चीज़ों को एक मैच्योरिटी के साथ डील करना है।
हमें चीज़ों को बैलेंस्ड वे में लेकर चलना है। हमें पता है ओवरऑल चीज़ें हमारे फेवर में आएंगी, हमें पॉजिटिव आउटकम देगी, लेकिन हमें नेगेटिव नहीं बनना है। कुछ चीज़ों को लेकर ना पर्सन के अंदर एक बहुत बर्डन भी है, या तो फैमिली का इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, या प्रोफेशनली लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान है, उसी वजह से इस रिलेशनशिप में वो एनर्जी नहीं लगा पा रहे हैं जो ये लगाया करते थे। और वो कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ ने आपको काफ़ी ज़्यादा दुख दिया है। बट वेट करो डिवाइन टाइमिंग का, डिवाइन आपके लिए वर्क कर रहा है, यूनिवर्स आपके लिए वर्क कर रहे हैं, जो कि आपको वो सब कुछ लाकर देंगे जो आप डिज़ायर कर रहे हो। कुछ लोगों को साइंस भी मिलते हैं, या तो वो ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, या तो ड्रीम्स में आके कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जहाँ पर आप सोचते हो कि दी कल हम मिले हैं या कम्युनिकेट हुआ था। क्योंकि ऐसे बहुत सारे चीज़ें मैं आए दिन सुनती हूँ कि लोग बताते हैं, मैम कल ऐसा ड्रीम आया, कल ये ड्रीम आया। तो कहीं ना कहीं वो ड्रीम्स के थ्रू भी आपके साथ पूरी पूरी कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश करते हैं। बट अब ये आपका टाइम है, नाउ इट्स योर टाइम टू मेक दिस सिनेरियो फेवरेबल। काफ़ी स्ट्रेंथ के साथ आप लोग इस सिचुएशन को डील कर रहे हो, बहुत हिम्मत के साथ आप चीज़ों को डील कर रहे हो। बस हमें चीज़ों को पॉजिटिव मैनर में बनाना है। लेकिन इनके अंदर जितना भी दुख है, परेशानी है, ये सब इसलिए है क्योंकि ये आपको बहुत मिस करते हैं, ये बहुत आपके बारे में सोचते हैं। और मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि थोड़े समय बाद आप लोग मिलने वाले हो, आप लोगों के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन बनने वाली है। सो आज की रीडिंग्स के अकॉर्डिंग आपको बोलूँगी, जैसा समय चल रहा है, इट्स ऑल गोइंग गुड। किसी भी चीज़ को नेगेटिव, किसी भी चीज़ को लेके परेशान मत हो। कार्ड्स पूरा इंडिकेशन दे रहे हैं पर्सन कहीं ना कहीं बेटरमेंट कर सकते हैं, पूरे एफर्ट्स लगा सकते हैं। थोड़ा समय दो, रश मत करो, सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही काम करना है, दैट इज़ डिवाइन से प्रेयर करनी है। और डिवाइन से प्रेयर करते टाइम बस यही बोलना है दैट मी एंड मैं और मेरे स्पेसिफिक पर्सन एक बहुत हेल्दी रिलेशनशिप में है। आपको ऑटोमेटिकली चेंजेस दिखने लग जाएंगे। सो आज की रीडिंग्स के लिए इतना ही, रेडी हो जाना, बहुत जल्दी एक कम्युनिकेशन, एक मीटिंग होने वाली है और बहुत फेवरेबल आउटकम्स मिलने वाले हैं। राधे राधे।